नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर मंडलवार पंजीकरण की सुविधा दे रही है। प्रदेश के किसान जनपदवार निर्धारित तिथि का पंजीकरण करवाकर 50% तक का अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10,000 रूपए से 1,00,000 रूपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 25,000 जमा कराना होगा। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 7 से 10 अक्टूबर तक 110वें अखिल भारतीय कृषि मेला एवं उद्योग की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां एक प्रगतिशील किसान ने लोहे की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सरकार से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की मांग की। मैं ये इम्प्लीमेंट सब देख रहा हूँ जो आए हैं, नई मशीनें हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत आ रही है किसानों को कि रेट जो है बहुत इनके अप हैं, क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। लोहे का रेट मार्केट में ज़्यादा है तो एम्प्लीमेंट्स का भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा, तो इसमें सरकार अगर सब्सिडी दे तो थोड़ी सी किसानों को आसानी हो जाएगी। राजस्थान में बिजली संकट के बाद अब डीएपी और यूरिया की किल्लत खड़ी हो गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब राज्य में पुलिस सुरक्षा के बीच खाद वितरित करवाना पड़ रहा है। दरअसल सरकार समय पर खाद की आपूर्ति का ऑर्डर जारी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किसानों के बीच खाद केंद्रों पर मारामारी मची हुई है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में एक आयोजित कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी के किसान केवल 3 फसलों पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि 12 बाकी के किसानों से सीख लें। किसान दलहन, तिलहन और सब्जियों को उगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक विशेष कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में 8,20,600 फ्री मिनी बीज किट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम के बीच रिप्लेसमेंट रेट में वृद्धि होकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दी। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या कम होते नजर नहीं आ रही है। पहले भारी बारिश के चलते प्याज की फसल बर्बाद हो गई, तो महाराष्ट्र के धुले जिले में चोरों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेंक दिया है। दरअसल सुबह रामराव शिंदे किसान द्वारा जमा किया गया 100 क्विंटल प्याज आधी रात में चोरी हो गया, जिससे किसान का 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ट्रैक्टर चोरी करता था। बता दें, गिरोह से जुड़े लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से किसानों के ट्रैक्टर चोरी करते थे, और इस गिरोह के अन्य सदस्य चोरी के ट्रैक्टरों की फर्जी कागज तैयार कर ट्रैक्टर पर लिखे इंजन नंबर और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर को बदल कर नए नंबर का ट्रैक्टर मार्केट में बेचने के लिए तैयार करते थे। 17 से 18 अक्टूबर को दिल्ली में सर्दियों की पहली बारिश हो सकती है। इस बारिश के असर से हल्की ठंड का एहसास होगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय धुंध हो सकती है, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 36 और 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।